नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोवर पे। दोस्तों अभी अभी मैंने देखी अमेजोन प्राइम की लेटेस्ट मलयालम मूवी कोल्ड केस। दोस्तों ये फिल्म 2 घंटे 19 मिनट आसपास की है और यहाँ पर पृथ्वीराज मेन लीड कैरेक्टर एसीपी सत्यजीत का किरदार प्ले करते हुए नजर आते हैं। उनके अलावा यहाँ पर अदिति बालन भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँ कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमको बताया जाता है कि एक फिशरमैन को, मछुआरे को, मछली पकड़ने के टाइम तालाब में उसे एक खोपड़ी मिलती है और अब यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच जाती है। पुलिस को ये पता लगाना है कि आखिर ये खोपड़ी किसकी है, मर्द की है कि औरत की है, और जिसकी भी है ये खोपड़ी आखिर इस तालाब तक कैसे पहुँची, क्या यहाँ पर कोई मर्डर हुआ था, और अगर मर्डर हुआ था तो ये मर्डर किसका हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक और भी कहानी साथ साथ चलते हुए नज़र आती है और वो कहानी है मेधा की। मेधा एक डाइवोर्सी माँ है जो अपने बेटे चिन्नू के साथ अकेले एक नए घर में रहने के लिए पहुँच जाती है और नए घर में पहुँचने के बाद मेधा के साथ कई सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका घर हॉन्टेड है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेधा की, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन स्टोरी है वो स्टोरी है सत्यजीत ऑफिसर की, जो कि केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दो कहानियाँ हैं, ये दो कहानियाँ अपने आप में भी कनेक्टेड हैं और किस तरीके से कनेक्टेड हैं ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों अमेजोन प्राइम पर मलयालम लैंग्वेज में उपलब्ध है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। हिंदी में ये फिल्म अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब मैं बात करूँ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो कहानी है वो मुझको काफ़ी हद तक पसंद आई। एक अलग ही तरह का नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक मर्डर मिस्ट्री में यहाँ पर आपको हॉरर एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दो कहानियाँ एक साथ चलती हुई नज़र आती हैं। पहली कहानी मेधा की है और जो मेन स्टोरी है वो है सत्यजीत की, जो कि एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये दो कहानियाँ जिस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक हैं और जिस तरीके से मर्डर मिस्ट्री में हॉरर एलिमेंट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है वो मुझको काफ़ी अच्छा लगा। एक अलग ही तरह का नया कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला। तो दोस्तों ये इस फिल्म का सबसे मजबूत और पहला पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग है वो भी मुझको काफ़ी हद तक पसंद आई। एक तरफ यहाँ पर आपको सत्यजीत और पुलिस टीम की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। एक सीन में यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, किस तरीके से अलग अलग लिंक मिल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरे ही सीन में आपको दिखाया जाता है कि मेधा के नए घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके दिमाग में दो चीज़ें चलने लगती हैं कि आखिर ये जो मर्डर हुआ है, जो खून हुआ है, वो किसने किया है, कैसे किया है। पुलिस जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको देख के आपके दिमाग में ये चलते हैं, और साथ ही साथ मेधा की स्टोरी देख के आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि आखिर उसके घर का क्या राज है। तो दोस्तों ये जो कहानी को बताने का जो तरीका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये आपको दुगना तरीके से एंगेज करता है। दैट्स ऑल दोस्तों, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग मुझको काफ़ी हद तक सही लगी। तीसरा पॉजिटिव चीज़ दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली पृथ्वीराज यहाँ पर पुलिस का किरदार प्ले कर रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छा ही होगा, और उन्हीं के साथ साथ बाकी जितने भी कलाकार हैं सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। इस फिल्म को देखते वक्त आपको महसूस हो जाएगा कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फील कराते हैं। उसके बाद दोस्तों आखिरी पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का बीजीएम। कहीं कहीं पर यहाँ पर आपको एक ऐसा बीजीएम सुनने को मिलता है जो कि आपको थोड़ा बहुत डराने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई पॉजिटिव चीज़ें। अब मैं अगर बात करूं कमियों के बारे में, नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मुझको देखने को मिला और वो है इस फिल्म का स्लो होना। यहाँ पर दोस्तों जो आपको इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट की, वो काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसके चलते आपको महसूस होता है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा खींची जा रही है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा आपको स्लो लगने लगता है कुछ कुछ जगहों पर। तो दोस्तों सिर्फ यही एक कमी मुझको यहाँ पर देखने को मिली। इनके अलावा बाकी इस फिल्म में कई सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसा कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक है, कहानी यहाँ पर काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, और कई जगहों पर यहाँ पर जो हॉरर एलिमेंट्स डाले गए हैं
वो आपको चौंकाते हैं, उतना ज़्यादा डरा तो नहीं पाते हैं लेकिन चौंकाते जरूर हैं। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर ये फिल्म डिज़र्व करती है एक बार देखना, सिर्फ इसके अलग कहानी और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए और साथ ही साथ पृथ्वीराज के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसे लगी आप मुझको कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तब दोस्तों आप लोग अमेज़ॉन प्राइम पर जाकर इस फिल्म को मलयालम लैंग्वेज में देख सकते हैं विथ इंग्लिश सब टाइटल। और फाइनली मैं इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर ये था मेरा रिव्यू। मेरा रिव्यू अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं फिर मिलूंगा एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।